नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम आकाश जाधव और आप देख रहे हैं सर्वमित्र आकाश जाधव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं जामगांव। हमारे जामगांव के रेस्क्यूर मयूर शिंदे यहाँ पर रहते हैं। इनको एक रेस्क्यू कॉल आया था तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया। यहाँ पर हम इस सांप को रेस्क्यू करने के लिए पहुँचे हैं। अशोक चौधरी, इन्होंने कॉल किया था, उनके घर के पास उन्होंने सांप देखा है। तो चलिए चलते हैं, बिना देरी के देखते कौन सांप है, पकड़कर सुरक्षित जगह पर रिलीज करेंगे। चलो खोदायला काहीतरी घ्या इथून, थोडं पुढं घ्या, बस थांबा थांबा, इथं बिळ आहे, थांबा बस, आता बस यहाँ पर बिल है। देखिए पूरा हमने यहाँ पर, हो सकता है सांप है। ये देखिए कोबरा सांप है इसमें। तो ये देखिए कोबरा सांप यहाँ पर बिल में, पूरा जीसीबी से हमने खुदाई कर लिया तब जाकर के हाथ को लगाया। ये देखिए काटने का प्रयास कर रहा है इसको, स्टिक को काट रहा है। देखिए कोई हाथ डालेगा तो हाथ पर बाइट करेगा। बस बस अभी बस
तो ये देखो सांप की फुंकार। तो काफी गुस्सेले कोबरा सांप काटने की फिराक में है। टिकाओ घ्या बरं इकडे द्या टिकाओ। लांबून मार पार आहे का पार देवर तो कोबरा सांप की फुंकार आप सुन सकते हैं कितना तेजी से। बहुत ज्यादा आक्रामक है कोबरा सांप। बहुत ज्यादा गुस्से ले कोबरा। बहुत ही ज्यादा गुस्से तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर इसने बाइट किया और जहर छोड़ दिया है। उठने लगा तो दोस्तों चलिए इसको हम खुले मैदान में लेते हैं। बहुत ज्यादा गुस्से लगी। चलो ऊपर की ओर। दोस्तों इस सांप को इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, कॉमन कोबरा और इंडियन कोबरा इस नाम से जानते हैं। हिंदी में गेहुअन, हिंदी में नाग, मराठी में नाग, बंगाली भाषा में खरीस, बंगाली में कोरना में गोखुरो, पंजाबी में पदम और इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा। ये जहरीला सांप है और न्यूरोटॉक्सिन वेनम छोड़ता है। इसके एक बूंद जहर से लगभग 20 से 25 लोग मारे जा सकते, इतना ही जहरीला होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये काटने की फिराक में फिलहाल, अटैक करने की फिराक में। तो दोस्तों इसको हम अभी बैग में डालते हैं और एक सुरक्षित जगह पर इस सांप को हम रिलीज़ करेंगे। लगाओ बैग।
तो दोस्तों आपने देखा काफ़ी गुस्सेल खतरनाक कोबरा सांप रेस्क्यू किया था जामगांव में, यहाँ पर मैं इसको रिलीज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा हर एक वीडियो देखिए आप, जैसे मैं सांप रेस्क्यू करता हूँ उसको तुरंत उसी वीडियो में रिलीज़ करते हुए दिखाता हूँ, क्योंकि काम ही ऐसा होना चाहिए, सांप को तुरंत रिलीज़ करना चाहिए। देखिए पूरी तरह से इसको मैंने जंगल में रिलीज़ किया, किस तरह से वो भाग गया है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर दबाएं।